उत्तरकाशी के बड़कोट तहसील में बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं, जहां 2013 की आपदा को पूरे 5 साल बीत जाने के बाद भी धारामंडल क्षेत्र के लोग आज तक उभर नहीं पाए हैं। आपको बता दें कि जून 2013 में यमुना नदी की बाढ़ ने यमुनोत्री मार्ग के खरादी कस्बे में भारी तबाही मचाई थी। यमुना नदी पर धारामंडल क्षेत्र को जोड़ने वाला झूला पुल भी इस भारी तबाही की भेंट चढ़ गया था, जिससे क्षेत्र के दर्जनों ग्रामीणों का संपर्क टूट गया था। तब से लेकर आज तक ग्रामीण जान हथेली पर रखकर ट्रॉली से आवाजाही करने को मजबूर है। जैसा 8 किलोमीटर ऊपर से आते हैं, हमें यहाँ पर अनेक प्रकार की दिक्कतें हमें सामना करना पड़ता है। कभी हमारे हाथ हाथ कट जाते हैं, हाथ की अंगुलियाँ कट जाती हैं, कभी रस्सा कट जाता है तो हमारे हाथों में छाले आ जाते हैं, कभी कभी नदी का पानी बहुत होता है तो मुझसे बहुत दिक्कत होती है। रहने वाला हूँ, जब से ट्रोली लगे तो यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है, और जब भी हम आते हैं यहाँ पे तो हाथों पे जंग लगने लगता है, ट्रोली का रस्सा भी नहीं खींचा जाता है, और हम सोच रहे हैं कि जितने जल्दी यहाँ पे पुल लगे उतना ही पुल ठीक है, पर हम तो नहीं है। यहाँ पे ट्रोली पर दिक्कत होने जा रही है, नदी भी बहुत बढ़ने जा रही है, स्कूल में लेट हो जाए तो टीचर लोगों की डांट खाते हैं कि जल्दी क्यों नहीं आते तुम, तो हम बोलते हैं कि ट्रोली पर हम ट्रोली की बातें बता देते हैं। पहाड़ों में आए दिन बारिश से जनजीवन प्रभावित होता रहता है, जिसका खामियाजा नन्हे मुन्ने स्कूली बच्चों को भुगतना पड़ता है, और आए दिन ट्रॉली से किसी न किसी के घायल होने की घटना सामने आती है। इसके बावजूद लापरवाही के चलते 5 साल से यह पुल विभागों के बीच झूल रहा। पंजाब केसरी टीवी के उत्तरकाशी से आशीष मिश्रा की रिपोर्ट।